खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर भारत वापस लौटी पीवी सिंधु, बैडमिंटन एसोसिएशन और लोगों ने भव्य स्वागत किया। सिंधु ने अपने कोच पुलेला गोपीचंद और किम ज्यून को धन्यवाद कहा, कहा कोच के साथ विश्व चैंपियनशिप के लिए खास तैयारी की थी। सिंधु ने कहा, लोगों के साथ विश्व चैंपियनशिप की जीत का जश्न मनाने के बाद वो ओलंपिक खेल की तैयारियों में जुटेंगी। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को लेकर बड़ा बयान, कहा टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक लाएंगे सिंधु। जयपुर एयरपोर्ट पर कमांडो के लुक में देखे महेंद्र सिंह धोनी, तस्वीरें वायरल। भारतीय कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के खेल से खुश नहीं वीरेंद्र सहवाग, कहा मौका मिला है भुनाओ। विजय हजारे टूर्नामेंट में तमिलनाडु की अगुवाई करेंगे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज और आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय टीम सदस्य दिनेश कार्तिक। एनसीए प्रमुख राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर का फरमान, 26 सितंबर को हितों के टकराव के आरोपों के चलते मुंबई में पेश होंगे द्रविड़। श्रीलंका न्यूजीलैंड सीरीज का दूसरा टेस्ट, न्यूजीलैंड को मिली ऐतिहासिक जीत, एक पारी और 65 रन से जीतकर सीरीज को 1-1 से ड्रॉ किया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान की मुख्य कोच पद के आवेदन दिए, हितों के टकराव से बचने के लिए बोर्ड क्रिकेट कमेटी से भी इस्तीफा दिया। खेल मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान, बोले बीसीसीआई को नाडा के दायरे में लाना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।